दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल चुका है। रॉयल कैरिबियन ग्रुप के इस क्रूज का नाम आइकन ऑफ द सीज है। जी हाँ, जिसने अपनी पहली यात्रा रविवार को अमेरिका के मायमी से शुरू की है। ये क्रूज 7 दिनों तक अलग अलग कैरिबियन द्वीपों की सैर करवाने के बाद 3 फरवरी को मायमी वापस लौटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज कहे जा रहे आइकन ऑफ द सीज 1200 फीट लंबा है और इसका वजन 2.5 लाख गीगाटन है। इस क्रूज में जो इंजन लगा है वो करीब 91,000 हॉर्स पावर का है, यानी लगभग 13.5 लाख सीसी का। यानी इस क्रूज का इंजन 1000 सीसी वाली 1350 कारों के इंजन जितना पावरफुल यानी शक्तिशाली है। समुद्र में ये क्रूज अधिकतम 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 20 मंजिला इस क्रूज पर एक बार में 7,960 लोग सवार हो सकते हैं। इनमें 5,610 यात्री और 2,350 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। चलता फिरता शहर कहे जा रहे इस क्रूज पर 7 स्विमिंग पूल और 7 वाटर स्लाइड्स हैं। इस क्रूज पर खाने पीने और एंटरटेनमेंट की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। यात्रियों को यहां कई तरह के स्नैक्स बार, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट जोन, एक्वा पार्क और स्काई वॉक की सुविधा मिलेगी। लग्जरी और सुविधाओं के आधार पर इस क्रूज में 2800 से ज्यादा छोटे बड़े कैबिन हैं। इन कैबिन का किराया 1.5 लाख रुपए से शुरू होकर 12 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक है।